If you have any specific questions? I couldn't get the difference between the law of retention and law of revision. The difference between law of retention and law of revision is clearly evident. Law of revision says you forget 80% of what you learned within 24 hours. Law of retention says ki aap yaad kaise rakhte ho cheezon ko. Aap yaad rakhte ho by observation, association, visualization. Teen cheezon se aap cheezon ko yaad rakhte ho. Law of revision to wo backup hai us cheez ka ki wo permanently store ho jaye. अगर आप वो तीन चीजें करोगे एंड यू डोंट गिव दैट लॉ ऑफ रिविजन टू इट, कहीं ना कहीं वो चीजें भी फॉल डाउन कर जाएंगी. सो दैट रिविजन हैज टू बी देयर. गेटिंग माय पॉइंट? सो दे आर लाइक, सो दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर. इफ वी आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिविजन ऑनेस्टली, राइट राइट राइट. सो इफ इफ जो इस रूम में बचे हैं उन लोगों के लिए एक चीज बताता हूँ. जो इस रूम में बचे हैं उनके लिए एक चीज बताता हूँ. देखो, द मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर, हु इज हेल्पिंग यू विद द माइक्स एंड हु गेव दैट इंट्रोडक्शन हेयर, he read this book, The Seven Laws of Clearing CA Final. And after reading this book, you know, what did he say? Usne kaha ki Nitin, ye jo tune book likhi hai na, tu saat law to chhod. Agar ek law ko bhi ek banda dhang se pakad gaya na, to wo ban jayega jo wo banna chahta hai. Getting my point? Agar aap ek law ko bhi pakad gaye na, to aisa nahi ki aapko sari law ko karne ki, ek law ka dhang se pakad gaye, you'll win it. Right? Anything else? So, my name is Manan Malik. Sir, agar hamara passion hi kuch aur hai, so how can we fall in love with that particular degree? Right. Suppose we realize now ki our passion is something else, but we are in the mid. You know, I've cleared my IPCC, but presently I'm analyzing or, you know, checking out ki it's not my passion. So if I'm not passionate about the degree, how can I fall in love with the degree? Very good example. Very good. Very good question. What's your name? Manan Malik. Manan. कहीं ना कहीं आप में से औरों के मन में भी ये सवाल है कि यार मेरा पैशन तो fantastic, it makes sense. आपने कहा कि सर मेरा पैशन कुछ और है, and I realize it today. अब जब मैं IPCC क्लियर कर चुका हूं या मैं कर रहा हूं, and today I realize कि यार मेरा पैशन तो ये था यार, ये मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं. This is your question. There are two ways now. दो रास्ते निकलते हैं यहां से. एक रास्ता तो यह है कि जिस सीए के रास्ते पे आप चल रहे हो इसको इमीडिएटली त्याग दो. सी, उसको इमीडिएटली त्याग दो और अपनी पैशन के रास्ते पे निकल पड़ो. चीज की 1% परवाह नहीं होती, मोस्टली इन डेवलप्ड कंट्रीज उनको 1% परवाह नहीं होती कि यार मैं अपने पैशन में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, बिकॉज द सिक्योरिटी, द फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट द गवर्नमेंट गिव्स इज सो मच कि उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीज के बारे में. बट इन इंडिया वी नीड टू थिंक अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी फर्स्ट. इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा यही कहते हैं कि यार सीए बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कुछ ऐसा बन जा कि तेरा फ्यूचर जो है इट बिकम्स फाइनेंशियली सिक्योर. सो बॉस, यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि मुझे करना क्या है. डू आई रियली वॉन्ट टू सिक्योर माई फ्यूचर एंड देन गो अहेड विद माई पैशन, या आपको यह करना है कि नहीं, आई एम नॉट गोना टेक दिस रूट, आई एम गोना गो स्ट्रेट टू माई पैशन. नाउ इट डिपेंड्स हाउ हंग्री यू आर, अपने पैशन के लिए भूख कितनी है. जब मैं उस वक्त छोटा था, जब मैं उतना छोटा भी नहीं था, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, तब देन आई रियलाइज कि यार मेरा पैशन तो ये है. आई इमीजिएटली रियलाइज कि यार मेरा पैशन तो शायद स्पीकिंग राइटिंग है, ये मैं सीए क्यों बन रहा हूं. देन आई इमीजिएटली रियलाइज कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं इट विल डू जस्टिस टू मी. अभी शायद मुझे नजर नहीं आ रहा. सी, व्हाट इज योर पैशन बाय द वे, कैन आई आस्क यू? मनन, द रूट इज नॉट सीए, राइट? फाइनेंस, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर, right. और या कुछ और ऐसा, राइट? ये बेसिक सीए की रिक्वायरमेंट वहां नहीं आती है. ऑल राइट, सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू सीए देन? सर, पता नहीं था. वेल एक्चुअली 82% थे 12th में, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, जनरल कैटेगरी थी, इवनिंग में मिला, क्राउड बहुत गंदा लगा, कॉलेज छोड़ दिया, बाई चांस सीपीटी क्लियर हो गया था, वो ट्यूटर के कहने पे पेपर दे दिया था, राइट? तो फिर लगा कि सीए कर लूंगा, एंड बाई चांस आईपीसीसी क्लियर हो गया, तो फिर वो ही हो गया, सबको बिलीव हो गया कि फाइनल कर लेंगे. मनन, एज फार एज माय नॉलेज इज अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो तो दिस डिग्री विल समहाउ समवेयर गुड सम गुड टू यू. इट विल, यू कैन टेक माय वर्ड्स, इट विल मेक अ डिफरेंस. वंस यू राइट दिस डिग्री इन योर रिज्यूमे दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट. अब वो डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा है. मार्केट के अंदर सीए की जो इमेज है इट इज एंटायरली डिफरेंट नाउ. If you want to become an investment banker and you are a chartered accountant, उसके साथ अगर आपने MBA भी कर लिया, and if you have some other degree as well,
Believe me, this degree will add to your resume. It will add value to your resume. If the question is just about becoming an investment banker, then take my words, go for this degree. It will do more good to you than you do good to it. This degree will do more good to you. Right? Good? Perfect. Anybody else? You said how to stay connected with you. So, what does that mean? CANitinSoni.com, yeah. And on Facebook. It's regularly updated. It is indeed. So I personally look after it. I personally do it. I'm not a technical guy, so the website is not in that good shape. But definitely in future, I will going to take care of it. So this is the way you can stay in touch. Otherwise, you can have my email ID that you can note, contact.nitinsoni@gmail.com. सर अब लास्ट में जैसे आपने धोनी वाली बात में कहा कि उनका स्टाइल जैसे है उनके स्टाइल में ये है कि वो नर्वस या फिर क्या बोलते प्रेशर नहीं लेते आपने बोला कि वो अपने नॉर्मल प्ले करते हैं सर मेरे हिसाब से दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है नेगेटिवली कोरिलेट कर रही है कि मतलब लाइक आपको लग रहा है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि प्रेशर लो ही मत और एक तरफ आप कह रहे हो कि इधर आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और डाई ट्राइंग आप तो वो प्रेशर देने की बात कर रहे हो ये कह रहे हो ना आप गुड क्वेश्चन देखो जो धोनी कह रहा है ना दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन धोनी कह रहा है कि इधर एम्ब्रेस प्रेशर और इग्नोर इट नंबर वन जो वो कह रहा हूं ना इधर आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और डाई ट्राइंग वो जो मैं बोल रहा हूं दैट इज एम्ब्रेसिंग प्रेशर यार और क्या है आई एम एम्ब्रेसिंग दैट प्रेशर आई एम एम्ब्रेसिंग दैट प्रेशर इधर आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और डाई ट्राइंग सो दिस प्रेशर आई एम एम्ब्रेसिंग इट मैं उसको एम्ब्रेस कर रहा हूं मैं उसके दूर नहीं भाग रहा हूं बट सर जैसे कि प्रेशर एक नेगेटिव थिंग है अगर मैं प्रेशर में लूज करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए या जैसे भी हो आपको नहीं लगता वो जो लव है वो कम होता जाएगा किस चीज़ से मेरे अटैचमेंट जो भी सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ अगर मैं सोचता हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ एंड मैं अपने आप को ये बात बार बार कह भी रहा हूँ इंटेंशनली एंड सडनली मैं वो एक बार दो बार तीन बार लगातार क्वेश्चन करता हूँ और वो मुझसे अटेम्प्ट ही नहीं होता देन मेरा क्वेश्चन मेरे से खुद से होगा मैंने आपको एडिसन का एग्जांपल दिया था बट बात यह है कि मैं दोनों को मेंटेन कैसे रखूं दोनों चीजों को एक साथ कौन सी दो चीजें दो चीजें एक चीज कि मैं कर रहा हूं और फेल हो रहा हूं और दूसरी चीज मैं वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर पा रहा हूं उसके साथ यार इफ यू अप्लाई द लॉ ऑफ लव इन द स्ट्रिक्ट सेंस ना तो आपको फेल होने वाला जो प्रोसीजर है वो जो एक्सपीरियंस है यू विल नॉट एक्चुअली नेम इट एज अ फेलियर इट विल बी एन एक्सपीरियंस देखो इस चीज को अंडरस्टैंड दिस कि व्हेन यू आर इन लव विद समथिंग You don't really go with the result. You go with the process. It's not about एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ. It's enjoying that नहीं हुआ वाला period भी. It's enjoying that. You actually enjoy it when you are in love with something. तो अगर एक question नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ, तिबारा नहीं हुआ, doesn't really matter. When a mother loves her children, वो एक बार रो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि दो बार रोया, तीन बार रोया. She carries on कि जब तक कि वो चुप नहीं होता. Sir, firstly I want to thanks for the delivering the tremendous seminar. Thank you. So sir, actually ये था कि मेरा पहले ये plan था कि मैं civil services में जाऊँ, but थोड़ा सा शुरुआत में starting में डर था कि career की surety नहीं थी कि आगे कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. Obviously बात है कि limited attempts होते हैं, तो मैंने switch over करा CA के लिए. फिलहाल अभी सीए में जी अभी सीए में फिलहाल फर्स्ट ग्रुप मेरा हो गया है सीए फाइनल का और फर्स्ट ग्रुप बाकी है. तो मैं आगे का फ्यूचर का आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सीए बनने के बाद भी अगर मैं करना चाहूँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो एक्चुअली फाइनेंशियली इम्पैक्ट रहेगा मेरे ऊपर कि अगर मैं जॉब रोक के तो शायद नहीं कर सकता, जॉब के साथ करूँगा तो वो चीज़ कितनी फिजिबल रहेगी मेरे लिए, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ सर. If you are truly passionate about becoming an IAS, nothing can stop you. Na aapki job, na aapka CA banna, na koi aur financial pressure, na koi emotional pressure, na koi social pressure. The question is, do you really want it? Ask yourself, do you really want to be an IAS? Yes, sir. If you truly want to be an IAS, do whatever it takes. Do whatever it takes. Raat ko jagna pade, jag jao. Bina khaye padna pade, kar jao. कुछ भी चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते. देर इज नथिंग. द क्वेश्चन इज हाउ हंग्री आर यू. सीए बन जाओ, टारगेट बना लो आईएएस बनने का, लिख लो अपने नाम के नीचे आई एम एन आईएएस. कुछ रोक ही नहीं पाएगा यार. Thank बाकी you, मैं खड़ा हूं ना, मैं लिख रहा हूं. और बताओ एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट बुक. सो एब्सोल्युटली दिस इज अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट बुक इज कमिंग सून.
अब वो सीए पास करने पर नहीं होगी, अब वो आपको उसके आगे सक्सेसफुल बनाने पर होगी. वेबसाइट, आई एम गोना डिस्क्लोज इट ऑन वेबसाइट, श्योर. एनीथिंग एल्स? सो कैन आई रिमूव दिस माइक नाउ?